नमस्कार दोस्तों और भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पिजनसन ब्लॉग पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें प्रॉपर्टी से पहले किन किन बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो हमारी ये आज की वीडियो जो है नए शौकीनों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं भाई, वो लोग अपनी राय कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को सीधा शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि हमें प्रॉपर्टी करने से पहले, पर खींचने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, जिन कबूतरों के आपके पर खींचने हैं उनके पर आप पहले से 3-4 दिन पहले से काट दें, और काट के फिर क्या करें, आप कबूतरों को 3-4 दिन तक लगातार उनको रोज़ नहान दें, उनको नहलाएं, और फिर उसके बाद आप उनकी कलियां खींचें। ऐसा करने से हमें जो बेनिफिट्स मिलेगा, वो बेनिफिट्स हमारा ये है कि उनके परों में जो गैस होती है वो निकल जाएगी, और फिर उनके पर को हम जब खींचेंगे तो आसानी से वो खींच भी जाएंगे, और कबूतर के जो नए पर आएंगे वो एकदम प्रॉपर तरीके से आएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें यह है कि हम उनके परों को काट देंगे और 3-4 दिन तक उनको नहा देंगे, उसके बाद पर की हम क्या पटाई करेंगे, पर को हम खींचेंगे। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जिस भी लॉफ्ट में, जिस जाल में, जिस दरबे में आप अपने पर पटाई वाले कबूतर रखे हो जिनके पर आपको खींचने हैं, उसमें से आप पर पटाई करने से पहले सारे डंडे, जो अड्डे होते हैं जहाँ कबूतर बैठते हैं, आपको वो निकाल देने हैं, और उसके बाद पर पटाई करनी है। ऐसा हमें इसलिए करना है कि हम जब उनके पर खींच देंगे और नए पर आने लगेंगे, और अगर अड्डे लगे रहेंगे तो वो उस पर बैठने की कोशिश करेंगे, और उनमें क्या होगी, उनकी कलियाँ जो है ख़राब हो जाएंगी, उसमें से ब्लड आ जाएगा। तो इस वजह से हमें अड्डे निकाल देने हैं और तब जाके पर पटाई हमें करनी है। और दोस्तों, साथ ही साथ हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे दरबे गंदे रहेंगे जिसमें पर पटाई वाले कबूतर हैं, उस दरबे को हम साफ़ करेंगे, और दरबे की भी डीवॉर्मिंग करेंगे, मतलब उसमें भी हम जो कीड़े होते हैं उनको मारेंगे। तो उनके कीड़ों को मारने के लिए बूटॉक्स एक दवा होती है जिसका मैं वीडियो बनाया हूं, वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वो बूटॉक्स का आप स्प्रे मारोगे, मैं एक वीडियो ऊपर लगा देता हूं, आप लोग देख लो। तो दोस्तों, दरबे की सफाई और उसकी दरबे की डिवॉर्मिंग के बाद हमें एक चीज़ और भी करना है उसके साथ साथ ही, कि हमें जब दरबे साफ़ कर देंगे और कबूतर अड्डे हटा देंगे तो कबूतर हमारा 24 घंटे ज़मीन में ही रहेगा, तो उससे उसको ठंडी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वो आपका कबूतर बीमारी में जा सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम अड्डे हटाएंगे, बट हम नीचे जो है लकड़ी या कुछ भी आप लगा सकते हो जिससे कि उनके पैरों में ठंडी ना लगे, या फिर आप क्या करोगे, लकड़ी के जो बुरादे होते हैं वो आप उसमें डाल दोगे तो उनके पैरों में क्या होगी, ठंडी नहीं लगेगी, और क्योंकि उन्हें डंडे और अड्डे हटने के बाद ऑल द टाइम उनको ज़मीन में ही रहना है तो ठंडी लगने के चांसेस जो है 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसके लिए ये करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाइयों, हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि हमें क्या करने हैं, नर और मादा दोनों को अलग कर देने हैं। जो परपटाई वाले हमारे हैं जिनको हमें परवाजी करानी है, पर खींच के उड़ानी है, उनको हम उनमें से नर मादा अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अगर दोनों साथ में रहेंगे तो कबूतर जो है मस्ती में जाएंगे। पहला तो इनमें नुकसान ये होगा साथ में रहने का कि कबूतर मस्ती में जाएंगे, और दूसरा हमारा नुकसान ये होगा कि वो जोड़े खाएंगे और कबूतर अंडे देंगे, तो मादी जो है कमज़ोर होती जाएगी और नर भी है वो भी कमज़ोर होगा क्योंकि वो जोड़े खाएगा। तो इस वजह से हमें उन दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उड़ाने वाले कबूतर को, तो हमें नर और मादा को अलग अलग रखने हैं। तो दोस्तों, हमारा चौथा नंबर ये है कि हमें उनको फिक्स्ड रूटीन बनाना है अपने कबूतरों को। एक टाइम पे हमें उनको उनकी डाइट देनी है। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हमें प्रोटीन वाली रोटी और प्रोटीन बेस्ड दाना कौन कौन सा देना है, तो जितने भी मैंने पर पटाई से लेकर रिगार्डिंग जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सभी का मैं सीरियल से। तो दोस्तों, हमारा टाइमिंग जो होगा वो हमें सुबह में देनी है प्रोटीन वाली रोटी, जो कि हमें 9 से 10 के बीच में देनी है, और सिर्फ रोटी ही देनी है परपटाई वाले कबूतरों को सुबह में 9 से 10 के बीच में, और उसके बाद हमें पानी देना है। तो उसका वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और शाम के टाइम में 4 से 5 के बीच में हमें देना है इनको दाने देने हैं, जो कि प्रोटीन बेस्ड दाना है। उसका भी वीडियो मैं लिंक, उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग उसे भी देख लेना। दोस्तों, हमारा पांचवा पॉइंट होगा कि हमें इन्हें क्या करना है कि प्रोटीन बेस्ड दाना और 20 दिन पहले से इनको स्टार्ट कर देने हैं, और उसके बाद फिर हमें डिवॉर्मिंग करानी है। डिवॉर्मिंग दो तरह की होगी, इनर और आउटर। तो ये डिवॉर्मिंग हमें करानी है, उसके बाद फिर हमें मल्टी विटामिन चलाने हैं। तो ये पूरा लंबा प्रोसेस है, तो उन सभी का वीडियो मैंने चैनल पर बना के डाल रखा है पहले से ही। तो मैं क्या करूँगा, उन सब वीडियो को मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो 5 चीज़ों को इसमें मेंशन कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि कौन कौन सी 5 सावधानियाँ हमें इसमें बरतनी हैं, और उस 5 सावधानियों में जो है पूरे प्रोसेस हैं। तो उन सभी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप दे दूंगा, आप लोग उनको जाके देख लेना। जिन लोगों को नहीं पता है डिवॉर्मिंग क्या होती है, कौन सी हमें डिवॉर्मिंग में दवा देनी चाहिए, और इनर डिवॉर्मिंग या आउटर डिवॉर्मिंग में, और मल्टी विटामिन कौन से देने चाहिए, क्योंकि हमें जो है ये सब देना और ये सब करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे
कबूतर की जब पर पटाई हो जाती है तो कबूतर को काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कबूतरों को पहले से ही फिजिकली फिट रखना होगा, उसके बाद ही पर पटाई करनी जरूरी सही रहता है। अदरवाइज़ हम उनको फिजिकली फिट नहीं करेंगे और पहले से तैयार नहीं रखेंगे तो कबूतर जो है हमारा बीमारी में जाएगा, सूखे में जाएगा, लकवे में जाएगा या फिर जाया हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जिन भी भाई लोगों को इसके बारे में थोड़ा कम नॉलेज है या नॉलेज नहीं है नए शौकीनों को, तो मैंने अपने वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, जैसा कि मैं बार बार रिपीट करा, तो आप लोग उसे जाके ज़रूर देख लेना। ऐसे ऊपर ऊपर से समझने में दिक्कत हो सकती है लोगों को, क्योंकि जो है डिवॉर्मिंग कराने के बाद कबूतर जो है थोड़ा कमज़ोरी में जाता है, इसलिए हमें पहले से ही उनको मैं बोल रहा हूँ कि 20 दिन पहले से हमें प्रोटीन बेस्ड दाना देना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद हमें डिवॉर्मिंग करानी है, इनर और आउटर डिवॉर्मिंग, मतलब उनके पेट के कीड़े मारते हैं और पर के कीड़े मारते हैं, जिन लोगों को डिवॉर्मिंग नहीं पता उनके लिए। तो वीडियो को जाके पूरा ज़रूर देखना जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है उनके लिए तो ठीक ही है। तो इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत से चैनल पर नहीं बताई जाती है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि मैं अपने उस्ताद से सीखता हूँ, वही इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आप लोगों को शेयर करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग तक अच्छी नॉलेज पहुँचे और आप अच्छी तरीके से अपने कबूतरों को परिंद करा सकें, परवाजी करा सकें। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन्स मैंने शेयर करी हैं आप लोगों के साथ अपने वीडियो के थ्रू, अगर आप लोग को वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, तक क्योंकि मैं जो भी अपने वीडियोस में बताता हूँ वो मैं खुद के कबूतरों पे एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं ये अपने पिछले 3-4 वीडियो से बोलता आ रहा हूँ, और जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं वो काफ़ी यूज़ की होती है और प्रैक्टिकल किया हुआ रहता है मेरे कबूतरों पे, और उसके बाद ही मैं बताता हूँ, काफ़ी नेचुरल चीज़ें मैं बताता हूँ कबूतरों के लिए जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, आप उसको मेरी बातों के थ्रू समझ सकते हो। मैं तो दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो पर पटाई से रिगार्डिंग जितने भी सीरीज़ होंगे, जितने भी हमें जो जो स्टेप करना है उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, और उसमें सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। तो आप लोग अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे वीडियोस उसमें भी मिल जाएंगे, और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, तो प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे तो वो आपको सीरीज़ मिल जाएंगे सारे। आप जब भी कभी चेक करना चाहो तो हमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो वीडियो, और उसमें पर पटाई से रिगार्डिंग सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, कबूतर की वापसी कैसे कराएं और कबूतरों को संभालें कैसे, तो इन सब का भी वीडियो उस प्लेलिस्ट में जल्दी ही ऐड होने वाला है। गीजा पानी क्या होता है, वो कैसे देना होता है, कौन से गीजा पानी हमें यूज़ करने चाहिए जो कि नेचुरल होंगे, ना कि कोई केमिकल से बने हुए, क्योंकि हमें अपने कबूतरों को ड्रग फ्री बनाना है, तो मेरा मेन मोटिव यही है। और आज से मैं सोच रहा हूँ #drugfreepigeons भी स्टार्ट करूँगा अपने चैनल पर, तो मेरा मेन मोटिव यही है कि अपने कबूतरों को जो है नेचुरल चीज़ों से हम उनकी परवाजी को बढ़ाएँ और अच्छे से तैयार करें। तो आज का वीडियो तो दोस्तों अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बात कहते हैं, तो मैंने सिर्फ वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करी है जो मैं खुद के कबूतरों पे एक्सपीरियंस कराया है, जैसा कि मैंने बोला। तो ये जो चीज़ें ये सभी मैंने बताई हैं, इन सभी के थ्रू मैंने अपने कबूतरों को क्या है कि काफ़ी अच्छी खासी परवाजी कराई है गर्मियों के टाइम में। तो मैं एक चैनल पे एक नई सीरीज़ और स्टार्ट करूँगा, तो जब मैं स्टार्ट करूँगा तो वो आप लोग जान जाओगे, और उसमें हम बताएंगे और अपने कबूतरों को दिखाएंगे कि कौन कौन से कबूतर हम कितने कितने बजे तक गर्मियों के टाइम में उड़ाए हैं, बिना किसी नुस्खे के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी दवा के, सिर्फ नॉर्मल सा नेचुरल सा गीजा पानी दे के, जो कि उनको हेल्थ में मतलब उनको उड़ने में सपोर्ट करेगा उस वो चीज़ यूज़ करके, ना कि कोई दवा। तो और डाइट, कबूतरों की डाइट मेंटेन करके, मतलब उनको खान पान अच्छे देखे, ना कि हम खान पान कोई झंडू सा दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि उनको कोई होम्योपैथिक दवा लगा दिए, कोई अंग्रेज़ी दवा लगा दिया, कोई नुस्खा बना के लगा दिए, तो इस तरह से नहीं, नेचुरल तरीके से हमने जो अपने कबूतरों को उड़ाया है उन सब का क्लिप भी मेरे पास कुछ है, और कुछ कबूतर भी हैं, तो उनको मैं दिखाऊंगा अपने वो नया जो सीरीज एपिसोड स्टार्ट करूंगा उसमें, और आप लोगों को बताऊंगा कि कबूतरों को बिना दवा पानी के कैसे उड़ाया जाता है, क्योंकि दवा पानी देना काफ़ी गलत है, बहुत से कबूतर जाया हो जाते हैं उसमें और वापसी नहीं कर पाते हैं दवा की नशे में, तो ये काइंड ऑफ नशा करके इनको उड़ाया जाता है दवा दे के, तो वो चीज़ हमें ख़त्म करना है। और दोस्तों जितने भी हमारे उस्ताद लोग या पुराने खिलाड़ी लोग देख रहे हैं, अगर उन लोग के पास भी कोई ऐसी बातें हो जो वो शेयर करना चाहें तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हो, ताकि हम और हमारे व्यूअर्स जो हैं नए शौकीन जो हैं वो कुछ नई चीज़ें सीख सकें और हम भी सीख सकें और लोगों को फिर उस बारे में एक्सप्लेन करके बता सकें। और
तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया आज का वीडियो। तो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। अगर हमारी बातें थोड़ी सी भी आपको वजनदार लगी हैं तो ये काम ज़रूर कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यार बस आज का वीडियो सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।